इसमें हम पढ़ेंगे हीट इंजन में कार्नोट साइकिल कैसे काम करती है उसके बारे में। अ कार्नोट हीट इंजन इज अ थ्योरेटिकल इंजन दैट ऑपरेट्स ऑन द कार्नोट साइकिल। द सिस्टम मे बी वर्क्ड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स एंड इन द प्रोसेस इट कैन ट्रांसफर थर्मल एनर्जी फ्रॉम अ कूलर सिस्टम टू अ वार्मर वन, देयर बाय एक्टिंग एज अ रेफ्रिजरेटर और हीट पंप रेदर देन अ हीट इंजन। कार्नोट साइकिल एक थ्योरेटिकल इंजन है जो कि कार्नोट साइकिल पर संचालित होता है, कार्नोट साइकिल पर ऑपरेट करते हैं। इसके द्वारा हम सिस्टम के एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा काम किया जाता है, इसमें कोई भी सिस्टम के एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा इसमें काम किया जाता है। इस सिस्टम में एक कूलर सिस्टम से थर्मल एनर्जी को एक गर्म सिस्टम में स्थानांतरित किया जाता है। कूलर सिस्टम से थर्मल ऊर्जा में टेम्परेचर जो थर्मल एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी में कूलर सिस्टम के द्वारा गर्म एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ये कार्नोट साइकिल जो होता है ये हीट पंप रेफ्रिजरेटर में हम ऑपरेट कर सकते हैं हीट इंजन के बगैर। अगर हीट इंजन नहीं है उसके बगैर भी हम रेफ्रिजरेटर या हीट पंप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है कार्नोट साइकिल के द्वारा। अब इसका हम डायग्राम देखेंगे कार्नोट साइकिल के लिए। कार्नोट साइकिल के लिए ये डायग्राम है प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, पीवी वॉल्यूम डायग्राम है। पीवी डायग्राम में हमारे पास कार्नोट साइकिल का डायग्राम ये कार्नोट साइकिल में हम आता है। ये हीट इन यहाँ से हो रहा है और यहाँ से हो रहा है हीट आउट, हीट इन और उसके बाद प्रोसेस होने के बाद हीट आउट होती है। हमेशा हीट इंजन में जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि जो हीट रिजर्वायर होता है उसमें T1 के सोर्स के द्वारा हीट रिजर्वायर होता है, उसके द्वारा Q1 हीट रिजर्वायर होती है, उसके द्वारा हीट आती है और हीट इंजन से होते हुए और फिर हीट सप्लाइड बाहर हो जाती है। इसमें हीट इन है और हीट आउट है। ये जो हिस्सा है ये है आइसोथर्मल एक्सपेंशन जिसको हम TS से नोट करते हैं। जो हीट आउट वाला हिस्सा है वो है आइसोथर्मल कंप्रेशन जिसको TC से नोट करते हैं। कार्नोट एफिशिएंसी का फार्मूला हो जाएगा हमारे पास ये TH - TC / TH × 100%। ये होता है कार्नोट एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला। अगर कार्नोट एफिशिएंसी निकालना है कार्नोट साइकिल के द्वारा हीट इंजन की एफिशिएंसी निकालना है तो फार्मूला हो जाएगा TH - TC / TH × 100%। ये हो जाएगा एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला। ये एडियाबेटिक प्रोसेस होती है, यहाँ पर एडियाबेटिक प्रोसेस होती है। इसमें ये जो जाता है ऊपर की तरफ ये होता है प्रेशर, ये होता है वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्म में होता है इसलिए इसको हम बोलते हैं पीवी डायग्राम। ये पीवी डायग्राम है कार्नोट साइकिल का। अगर हीट इंजन का जो कार्नोट साइकिल की प्रोसेस होती है वो इस टाइप से होती है कैसा आपको इसमें दिया हुआ है। इसमें हमारे पास ये डायग्राम जो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है पीवी डायग्राम के द्वारा समझेंगे। एक स्टेट एक कंडीशन होती है 1, 2, 3, 4 चार पॉइंट होते हैं 1, 2, 3, 4 चार पॉइंट में हमारे पास इसमें जो चार पॉइंट में कंडीशन होती है चार कंडीशन होती हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। एक होती है कौन सी वन से टू जो होती है वो QH यहाँ पर QH है और यहाँ से हीट इनपुट हो रहा है और QL मतलब हीट लॉस हो रहा है। तो इसमें हमारे पास 1 to 2 जो प्रोसेस होती है वो होती है इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। 2 to 3 होती है वो होता है एडियाबेटिक, जो हमारे पास 2 to 3 होती है वो एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है, यहाँ होता है एडियाबेटिक एक्सपेंशन। और 3 to 4 होता है वो होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन। और 4 to 1 होता है वो होता है एडियाबेटिक कंप्रेशन, यहाँ पर एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है। 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 और 4 to 1 1 to 2 में क्या होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, 2 to 3 में होता है एडियाबेटिक एक्सपेंशन, 3 to 4 में होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन और 4 to 1 में होता है एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो आपके पास जो ये होता है यहाँ पर एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है, यहाँ पर एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है। इसके अलावा यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है और यहाँ एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है। ये आपको दिया QH हीट इन हो रहा है यहाँ से और QL हीट लॉस हो रहा है। TH इसमें होता है टेम्परेचर, इसमें कांस्टेंट होता है
और ये प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम है, पीवी डायग्राम, तो पी और वी डायग्राम है। इस टाइप से आप इसको समझ लें, कार्नोट हीट इंजन के बारे में इस डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। ये डायग्राम हमारे पास है पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम में हमारे पास ये दिया हुआ क्यू एच जो है हीट है, हीट एन हो रही है, क्यू सी हीट लॉस हो रही है हीट इंजन के द्वारा। इसमें हमारे पास ये जो हिस्सा है 1 2 2, ये 1 2 3 4 चार हिस्से हैं। चार हिस्से में हमारे पास में दिया हुआ है कि आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबेटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन। ये होता है, ये टी एच है और टी सी है। इस टाइप से आपको इसमें दिया हुआ पीवी डायग्राम के द्वारा ये डायग्राम भी बनाया गया। टी एच हीट इनपुट हो रही है सोर्स के द्वारा, और हीट इंजन के द्वारा इसमें हीट लॉस हो रही है क्यू सी, जो कि सिंक में जा रहा है, और बची हुई हीट जो रहती है वो सिंक में जा रहा है क्यू टी सू टी टू, और इसके द्वारा वर्क वर्क जो हो रहा है हीट इंजन के द्वारा, इसके द्वारा वर्क करते हैं। एफिशिएंसी का फार्मूला न्यू इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस टी सी अपॉन टी एच। इस टाइप से हम कार्नोट साइकिल ऑफ हीट इंजन को समझते हैं। प्रोसेस होती है इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले टी वन जो होता है वो होता है टेम्परेचर ऑफ सोर्स, सोर्स का टेम्परेचर। टी टू होता है टेम्परेचर ऑफ सिंक, सिंक का टेम्परेचर। क्यू वन होता है हीट फ्लो फ्रॉम सोर्स टू हीट इंजन, सोर्स से हीट इंजन के लिए जो हीट फ्लो हो रहा है वो क्यू वन है। क्यू टू हो रहा है हीट रिजेक्टेड फ्रॉम हीट इंजन टू सिंक, हीट इंजन से जो सिंक के लिए हीट रिजेक्ट हो रही है वो क्यू टू है। और डब्ल्यू है वर्क आउटपुट फ्रॉम हीट इंजन, वर्क आउटपुट है हीट इंजन का। इसके लिए हम सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, एनर्जी बैलेंस के लिए लगाएंगे। एनर्जी बैलेंस के लिए हमारे पास आएगा, एनर्जी बैलेंस हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू क्यू वन माइनस क्यू टू। दो हीट का बीच में जो डिफरेंस हो जाएगा वो वर्क कहलाएगा। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्यू वन माइनस क्यू टू। एफिशियंसी का फार्मूला क्या होता है, एफिशियंसी को हम न्यू से डोनोट करते हैं। ये जो सिंबल है ये एफिशियंसी का सिंबल है। न्यू इक्वल टू वर्क आउटपुट अपॉन एनर्जी सप्लाइड। वर्क आउटपुट कौन सा है, डब्ल्यू है, और एनर्जी सप्लाइड कौन सा है, क्यू वन है। तो डब्ल्यू अपॉन क्यू वन फार्मूला हो जाएगा। डब्ल्यू की जगह पे हम रख देंगे ये वाला वैल्यू, ये आपको दिया हुआ है, इसको रखेंगे तो आ जाएगा क्या, न्यू इक्वल टू क्यू वन माइनस क्यू टू अपॉन क्यू वन। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये हो जाएगा हीट के फॉर्म में। अगर इसको हमको टेम्परेचर के फॉर्म में लिखना है तो हीट की जगह पे हम Q की जगह पे T रख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा न्यू इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन T1। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस T2 अपॉन T1। ये हो जाएगा एफिशियंसी निकालने का फार्मूला। ये होता है कार्नोट साइकिल के लिए हीट एफिशियंसी निकालने का फार्मूला। हीट इंजन की जो कार्नोट साइकिल होता है उसमें अगर हमको एफिशिएंसी निकालना है तो उसके लिए हम इस टाइप से निकालेंगे। अब इसका हम कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे, न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।